पचम्बा के कोयरी टोला में गुरुवार को भाकपा माले की महिला संगठन एपुआ की बैठक की गई। यहां दर्जनों महिलाओं ने आगे बढ़कर बैठक में हिस्सा लिया। बताया गया कि महिलाओं की तमाम समस्याओं को सीधे एपुआ के जरिए उठाया जाएगा। यहां बैठक की अगुवाई एपुआ नेत्री प्रीति भास्कर कर रही थी। बताया गया कि शहरी इलाके के हर वार्ड में माले एपुआ के साथ सभी विंग पर काम चल रहा है। माले नेत्री प्रीति भास्कर ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा में कई राजनीतिक पार्टी महिलाओं का विंग बनाकर बड़े बड़े नेता जब आते हैं तो भीड़ बनाकर ले जाते हैं, लेकिन उनके हक अधिकार की बात कोई नहीं करता है, उस पर कोई बड़ा कार्य नहीं किया जाता है। बैठक के दौरान एक तदर्थ कमेटी भी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष पम्मी वर्मा को बनाया गया। वहीं कमेटी में संजू देवी, लक्ष्मी शर्मा, किरण देवी, रूबी देवी, नीरू देवी, माधुरी देवी, बसंती देवी, अनिता देवी को शामिल कराया गया। बैठक में माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। स्थित 3 नंबर वार्ड में आज हमारी एपोआ की एक कमेटी की गठन की गई है, और इस कमेटी के माध्यम से पूरे 3 नंबर वार्ड में जो भी घोटाला हो रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो लूट मचा रखे हैं, इसी एपोआ बैनर तले अब हमारी लड़ाई को पुरजोर तरह से हम लड़ेंगे और अपने हक और अधिकार को लड़ कर लेंगे। नगर निगम में 36 वार्ड है, और 36 वार्ड में जो संगठन है वो माले का है। धीरे धीरे हम लोग उसको एपवा के जरिए या जो स्टूडेंट संगठन है आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा, ये सब के जरिए एक संगठन तैयार कर रहे हैं। और संगठन तैयार करने के बाद हम लोग का जो प्रयास होगा, पार्टी की तरफ से प्रयास होगा कि हर एक वार्ड में हमारे जो संगठन के लोग हैं उसमें से 18 महिलाएँ हों, 18 पुरुष हों, वो प्रतिनिधि करें, प्रतिनिधित्व के रूप में खड़े रहें। और इस पूरे गिरिडीह में जिस प्रकार से लूट हो रही है, जिस प्रकार से लोगों का दमन हो रहा है, जनता का एक तरह से दमन हो रहा है, चाहे हर एक क्षेत्र में की बात हो, उस पर भाकपा माले के जो प्रतिनिधि हों उस पर अपना आवाज़ उठाएं। और इसी प्रकार से हम लोग पूरे संगठन को अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। हालांकि उसकी एक अलग बैठक होगी, पार्टी के लोग इसमें आएंगे, पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। फिर भी हर एक जगह पे जब तक विंग तैयार नहीं हो, जब तक ये तब तक लगातार अभी 6-7-8 महीना भी बाकी है। हम तमाम लोग जो चाहते हैं खुलकर राजनीति करने के लिए, वो भाकपा माले में आए, हर एक वार्ड में अपना प्रतिनिधि करें और संगठन विस्तार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।